सो एट लास्ट हम निकल चुके विंटर स्पीति के लिए। 9 बज चुके हैं ऑलरेडी और मुझे अभी शिमला पहुंचना है और फिर कल अर्ली मॉर्निंग वहां से हमें फिर आगे के लिए निकलना है। तो यहाँ की अभी ये कहानी है, बाकी मैं आपको अपडेट दूंगा। और ये टाइम मैंने इसलिए चूज़ किया कि थोड़ा सा स्पीड ठीक ठाक रहे, ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले। तो अब देखो भाई कितने बजे तक पहुँचते हैं घर से, तो लगभग 7 घंटे दिखा रहा था। और अब एक बार अगर अब आगे फ्यूल पंप आएगा, उस फ्यूल पंप से फ्यूल डलाने के बाद में सीधा वहीं पे रुकेंगे फिर अपन। तो भाई ये आ गया अपना फेवरेट पंप। भाई इस पे ऊपर चढ़ने के लिए आगे से रास्ता है ना? ठीक। तो भाई हम लोगों ने मूर्थल क्रॉस कर लिया है, बजे हैं अभी 10:30 भी नहीं बजे अभी वैसे, और अपना ETA जो है वो है 2:53 का अभी के लिए। तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, मुझे लग नहीं रहा वैसे हम कि 2:30 से पहले तो किसी भी हाल में पहुंच सकते हैं। हम लोग हिमालयन एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए हैं, टोल क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारी डेस्टिनेशन है आज की वो है लगभग, रोड बड़ा ख़राब हो रखा है, पर मेरे ख्याल से अगली बार जब आएंगे तो मस्त बना मिलेगा क्योंकि काम मैंने देखा चल रहा है लगभग। तो अभी अपनी जो डेस्टिनेशन है वो है लगभग 1 घंटा दूर, 57 minutes 38 kilometers। भाई चिप्स देना जरा एक दो, और एक दो स्लाइस दे देना है छोटे वाले। लो भाई वी आर ऑलमोस्ट देयर, पर अब रोड देखना मस्त आएगा। ये जो जगह है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ ये है बरूग, ये कसौली वाले रूट पे है। ये देखो तो भाई अब करेंगे यहाँ पे स्टे, उसके बाद में सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे। ओके जी ओके, दरवाजा खुला ही हुआ, चलो गुड। एक बार जरा दरवाजा खोलता हूँ मैं। इसको खोल देता हूँ बाहर की तरफ। मॉर्निंग जी, इट्स 8:14 राइट नाउ और हम लोग हैं अभी बरोग। ब्रेकफास्ट डन, पैकिंग डन। तो 3 गाड़ियां भाई जाएंगे इस ट्रिप पे, 2 आप लोगों ने पिछली ट्रिप में भी देखी थी मेरी गाड़ी, ये सचिन भाई के बड़े भाई आए अब की बार उनकी, और ये है वी क्रॉस मंदीप भाई की गाड़ी। तो ये 3 गाड़ियां विंटर स्पीति कर रही हैं अब की बार। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी एप्ट गाड़ियाँ हैं मतलब इस ट्रिप के लिए। तो कई लोग पूछना चाहेंगे कि भाई जो विंटर स्पीति है उसमें गाड़ियाँ, भाई विंटर स्पीति में तो स्ट्रिक्टली 4x4 और स्नो चेन्स भी स्टैंड बाई में कैरी करनी ही करनी है आपको। तो जो लोएस्ट टेम्परेचर हम लोग को मिल सकता है इस ट्रिप पे वो मिल सकता है अप टू -30 आई गेस एक रात को, और नॉर्मली -20 के आसपास, -17 -20 तो रहेगा ही रहेगा। तो कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी यू नो प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और उसके अलावा भाई सुबह सुबह यहाँ पे नहा लिए हैं, अब विंटर स्पीति में देयर इज नो गारंटी कि नहाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कम से कम इतना प्रोफाइल होना चाहिए इस तरह की गाड़ियों के टायर्स का। 16 inch है एक्चुअली व्हील्स, और 70 ratio के प्रोफाइल में टायर्स हैं, मतलब 2 75 70 R16। तो बहुत सही, बहुत सही, मतलब इतना रिम और टायर में जो रेशो हो तो मस्त हो जाता है काम। अगर मैं 16 पे होता तो मेरा प्रोफाइल भी इतना हो सकता था, अब नहीं है। ये देखो मेरे पास इस टाइम पे 2 सेट है, मतलब सॉरी 1 4 chain का सेट है जिसमें 2 chains हैं 285 section वाले टायर्स के लिए, और 2 chains है 255 section के टायर्स के लिए। तो अब ये जो टायर्स है मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो इनका प्रोफाइल है ना उसकी वजह से ही आराम से 18 inch वाली चेन ले लेंगे। लेट मी कैलकुलेट,
तो अब हम एक बार जरा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमारी जो चेन्स थी वो थी 255 65 R18 के लिए, ओ सॉरी 16 है। ओके, मैं भी हिल गया था देख के। वाह वेरी नाइस भाई साहब, चेन्स यही लग जाएंगी। अच्छा एग्जैक्टली ये देखो, ये 31.1 इंच के टायर्स के लिए चेन्स थी, आपके 31.2 है बस 0.3%। पहले मैं अगर टायर नहीं खरीदता ना, पहले मैं 16 इंच पे शिफ्ट होता फिर मैं टायर खरीदता। मैंने स्टॉक रिम के लिए टायर खरीद लिए थे पहले, इसलिए मेरे को 18 पे रहना पड़ा। मेरी भी तैयारी करवानी है आपने, 5-6 महीने की बात है। मेरा बेटा वो बार भी है, तो वो अपना हो जाएगा उसके बाद ना फिर अपना फिर भाई जी जिंदगी। आप कौन सी गाड़ी की तरफ शिफ्ट होने सोच रहे हो? पेट्रोल ही लेना, पर पेट्रोल फॉर्च्यूनर। तो भाई गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने, एक आवाज़ यानी एक ऑकवर्ड सी आवाज़ शुरू हो गई इसमें। जब तक गाड़ी वार्म अप नहीं होती तब तक ये आती रहेगी। थोड़ा सा मेरे अंदर इसको लेके है कि भाई क्या ये, ट्राई भी की थी ढूंढने की पर कुछ मिला नहीं जब पिछली बार हम लोगों ने ट्राई किया था। और उसके अलावा चलने के लिए तैयार। यहाँ पे सामने ये मारुति की स्टॉक यार्ड है मेरे ख्याल से। तो मैं पिछली बार आया मैं बोला भाई साहब मारुतियाँ। हम लोग अभी नारकंडा पहुंच गए यार, और ये एक नेचर कैंप नाम की जगह है। यहाँ पे मैं पिछली बार भी आया था जब मतलब एक बार बाहर रुका था। अब देखो भाई नारकंडा में क्या लेवल का स्नोफॉल हुआ है रीसेंट टाइम्स में। तो जो जो यहाँ रुके होंगे जब ये स्नोफॉल हुआ होगा भाई साहब मज़ा ही आ गया होगा उनको। तो अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, कुछ खा पी लेते हैं। अभी शायद हम लोग सरान रुक जाएंगे आज। दो गाड़ियाँ और हैं जैसे आप देख पा रहे हो हमारे साथ में। और हुआ क्या, हम सोच रहे थे हम बातें करते करते स्लो आ रहे हैं, बट वो लोग एक्चुअली हम लोग से पीछे थे। तो अभी उनको आधा घंटा लगेगा आने में। और भाई क्या ही स्नो गिरी हुई है यार, क्या ही स्नो गिरी हुई है, गजब सीन, तगड़ा स्नोफॉल। भैया कहाँ गए? ये रात को ही गिरी है मेरे ख्याल से बर्फ, तो सॉफ्ट है तो, या एक दिन हो गया? ये 2-3 दिन की बर्फ है। अच्छा 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 अच्छा, कितने फीट गिरी थी? कम से कम गिरी होगी 3-4-5 फीट तो। 5 फीट बर्फ गिरी है एक रात में? एक रात में तो कम से कम। तो मतलब डेली गिर गिर के एक एक डेढ़ फीट, एक एक डेढ़ फीट। टूर का प्रोग्राम बाइक पे, इन टूरों में कोई फन नहीं है, बाइक से करो फास्ट कुछ काम। मारेगा भाई जी बाइक में। आज का सीन है भाई कल्पा, हम लोग यहाँ से 1.5 घंटे में शायद पहुँच जाएंगे। 78 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है, चेक पोस्ट है फर्स्ट जहाँ से एंट्री वगैरह करने शुरू करेंगे हम लोगों ने। कब खुल गई होगी? थर्मो फ्लास्क खोला है, अब थर्मो फ्लास्क खरीदना पड़ेगा इधर से। अब क्वालिटी का पता नहीं पर क्या करें, एक लीटर का क्वालिटी मिल जाएगी ना, देख लेंगे देख लेंगे। जब गर्म पानी चाहिए होगा ना तो उसका रेट नहीं होगा वहाँ। संडे है दुकान बंद, देखो मिल जाए तो अच्छा, क्योंकि गर्म पानी तो गर्म पानी होता है सब। और एक और चक्कर है, मिल्टन विल्टन के कोई खास असर करते नहीं, तो जो मेरा डिकैथलॉन वाला है वही चलता है ढंग से। अगर रात भर अगर हम बात करें कि वो होल्ड करेगा कि नहीं वॉर्म्थ को, पीने लायक पानी मतलब होता है उसमें। मिल्टन वाला था एक मेरे पास, वो रात रात में मतलब लाइक अंधेरा होने तक ही ख़त्म हो जाता है उसमें। ये हम लोग किन्नौर में एंट्री करिए, बिल्कुल एंट्री करिए, भावनगर सब स्टेशन है ये। हम कोशिश कर रहे हैं भाई शॉप ओनर फ़ोन उठा ले और खोल दे। हमें एक वाटर हीटर चाहिए था और उसके अलावा एक थर्मो फ्लास्क चाहिए था, बाकी मुश्किल लग रहा है। आज संडे है फिर भी लेट्स ट्राई, ज़रूरी चीज़ है, अगर लगे कि मिस हो गया तो ले लेनी चाहिए। नहीं मिला भैया, सिर्फ एक दुकान खुली है मिठाई की, मिठाई अपने को खानी नहीं है। क्या बात है क्या बात है, मैं रात को खाता हूँ गन्ने।
नहीं मिली भाई साहब, नहीं मिली। छेड़ दी गाड़ी भाई, जब देखे हमने तो आप भाई वो का तू ले ले, वो का तू ले ले, आपने तो ना। गुड मॉर्निंग जी। तो अब आज से एक्चुअली शुरुआत हो गई एक्चुअल चीज़ों की होने की। अब तक नॉर्मल जगहों पे थे तो ज़्यादा दिमाग हमने लगाया नहीं शूट वूट करने में ये वो। तो आज हम लोग चलेंगे भावनगर है, भावनगर जैसे मैं बात कर रहा था अभी, और हम जाएंगे आज प्लानिंग जो है पिन वैली की। अरे भाई, अरे 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 लोट क्या कर रही है। ओ भाई साहब, अरे चिटकी गजब।